સુરતના બેસ્તાનથી ઉતરાણ વચ્ચે રેલવે ટ્રેકના ઝૂંપડા ડિમોલિશન પહેલા અસરગ્રસ્તોને આવાસની માંગણી કરી છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની યોજના હેઠળ તેમને ઘર મળે તેવા પ્રકારની માંગણી અસરગ્રસ્તો કરી રહ્યા છે. સુરત અને ઉધના રેલવે સ્ટેશન નવીનીકરણના ભાગરૂપે રેલવે ટ્રેકની આસપાસના ઝૂંપડા ખસેડવાની કામગીરી શરૂ કરી છે. ડિમોલિશનના પહેલા દિવસે તે કોર્ટનો સ્ટે આવી જતા ડિમોલિશનની કામગીરી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ કોર્ટમાં 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ કેસની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. આ દરમિયાન ઉતરાણથી ભેસ્તાન વચ્ચેના અસરગ્રસ્ત સરકાર પાસે આવાસની માંગ કરી છે. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આ રેલવે ટ્રેક પર 22 વસાહત છે, જેમાં 10,000 જેટલા પરિવાર વર્ષોથી રહે છે. 2014માં રેલવે તેમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા વિના ખસી જવાનું કહેતા કોર્ટમાં દાદ માંગવામાં આવી હતી. જોકે હાલમાં ડિમોલેશનની કામગીરી થઈ રહી છે, જે સ્થગિત કરવામાં આવી છે. રેલવે અન્ય રાજ્યોમાં અને ગુજરાતમાં પણ લોકોનું પુનર્વસન કર્યું છે, ત્યારે સુરતના લોકોને પણ આ સુવિધા આપવી જોઈએ તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. રવિ કોઈચા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત. हम इधर इधर ही हमारा जन्म हुआ है और हम इधर ही बड़े हुए हैं और हमारी शादी भी यहीं पर हुई है, यही झोपड़पट्टी से, और हम झोपड़पट्टी में ही रहते. तो हमें आप वैसे नोटिस मतलब आपके आए हुए हैं, तो हमें जब से डर लग रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे झोपड़े के अलावा कहीं पर भी घर नहीं है. और आप हमें यहाँ से काट दोगे तो हम जाएंगे कहाँ? तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है हमें कि आप हमें घर हमारे आप तोड़ सकते हो तो आप तोड़ो, पर हमें उसके बदले में हमें दूसरा घर दो, क्योंकि हम वही घर हमारे लिए सब कुछ है और अभी हम बचपन से वही घर में रह रहे हैं. इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि हमें दूसरा घर आप दे सकते हो. तो हमसे यही उम्मीद है आपके आपसे कि हमें घर दे. शुक्रिया. गुजरात हाईकोर्ट के में तो उसमें वह हमारा केस निकाल के फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया केस. तो हमारे जो दिल्ली में अरविंद भाई उन्हीं करके है, हमारे मित्र ही, तो उन्होंने हमें सलाह सूचन करा और उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया. जुबेर भाई ने भी मार्गदर्शन दिया, तो उसके हिसाब से हमने सब जो हमारे पास जो भी केस पेपर थे, हमको तो टाइम इतना नहीं था कि हम हाईकोर्ट में से पेपर ऊपर निकाल सकें. फिर भी हमने मेरे पास जो भी कागज़ था, वो जो पिटीशन की नकल, उसके माध्यम से एक वकील भी आई अपने सुप्रीम कोर्ट से. तो उसमें वो मैडम ने सब पढ़ा, देखा, समझा और हमने सब उसको जो भी एविडेंस थे जो फाइल की थी पिटीशन की, तो उसके माध्यम से सब एग्री होके उनको हमने वो सब दिया और वो काम चालू हो गया था. और तथागत गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से हमें वो स्टे मिल गया है और अभी नेक्स्ट डेट पड़ी है हेयरिंग की, एक तारीख पड़ी, 1/9. और हम आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे. लोग हमारे अपने सपोर्टर भी हैं, हमारे जुबेर भाई से आदेश भाई है और हमारे दिल्ली वाले जो है हमारे मित्र, वो अपने अरविंद भाई उन्हीं हैं. और हम इस तरह से हमारा संगठन में है और हमारी जो झोपड़पट्टी उत्तरांचल से भेस्तान तक पहले आती है हमारे अश्वनी कुमार में, अशोक नगर आती है जो अश्वनी कुमार में है, फिर आते हैं उत्कल नगर, फिर शांति नगर, फिर मिलिंद नगर, फिर इंदिरा नगर और रेलवे स्टेशन के पास है अपना नरसिंह मंदिर नो टेकरो पाटी चाल. अभी मप्पत नगर को तो सब ध्वस्त कर दिया उन लोगों ने, पंचीश्वर अम्बेडकर नगर को भी ध्वस्त कर दिया जो सहारा दरवाजा के पास है. संगम टेकरी को भी कम से कम उसमें इफेक्ट हुए कम से कम 35 मकान है. और उसमें आता है फिर अपना सागर मार्केट के पास जन्नती बाग कच्ची चाली, जन्नती बाग मंदिर मोहल्ला और वो अटल जी नगर है उसमें भी. और जो मीठी खाड़ी वाला रोड है जो गन्नारा है, उसमें अपना नगर भी इफेक्ट हुआ है. उसमें कम से कम उसमें 28 मकान टूटे गए हैं और अब मिलन नगर में भी 55 मकान टूटे गए हैं. और उसमें हमारा मखदुम नगर सेफ है, अभी आगासी नगर भी सेफ है, फिर उधना स्टेशन के पास संजय नगर है अपना जो 0 नंबर भी आता है, और संतोषी नगर है जो अपना भीमनगर गन्नारे के पास, और हमारा आखिरी झोपड़पट्टी है शिवरा नगर 1 और शिवरा नगर 2. तो जो भी हम ये मैटर में हमको मदद कर रहे हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से. और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा है. और ठीक है, जय भीम. डिमांड एटलू है फक्त के ए लोगों ने रिहेबिलिटेशन करे, ए लोगों ने स्थलांतरित करे, लोगों ने मकान मिलता हो
અને એ પણ મૂળભૂત જરૂરિયાતવાળા મકાન મળતા હોય તો લોકો સ્થળાંતર કરવા કે ખસેડવા તૈયાર છે. એટલે હું માન્ય સરકારશ્રીને એવી વિનંતી કરીશ આપ સૌના માધ્યમથી કે એવી કોઈ પોલિસી બનાવે કે જે આના માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવી શકે, અથવા તો જે માનવતાના ધોરણે તમામ લોકોનો એક વિચાર કરીને આમાં કંઈક ના કંઈક મદદ કરે. અસ્તુ, આભાર. રવિ કોઈચા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત.